सुपौर में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुपौर के बहरामपुरा में आज सुबह से चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को एक घर में घेर कर एनकाउंटर किया। काफी देर तक दोनों ओर से फायरिंग होती रही, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं, जिसमें एक आतंकी बीटेक का छात्र है जो अभी हाल ही में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। हालांकि आतंकियों की पहचान को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। और अब बात करते हैं देश को दहलाने की साजिश की। जी हां, 15 अगस्त से पहले भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है, और ये साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। दिल्ली और कश्मीर समेत देश के कई बड़े शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में आतंकियों की साजिश का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद देश में पठानकोट जैसे आतंकी हमले करने की फिराक में है। जैश के सरगना मसूद अजहर ने आतंकी हमलों की जिम्मेदारी अपने भतीजे मोहम्मद उमर को दी है। आतंकी उमर को कश्मीर में घुसपैठ करके भेजा गया है। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली को दहलाने की जिम्मेदारी आतंकी मोहम्मद इस्माइल को दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हमलों की साजिश रचने के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। ISI को आतंकी संगठन लश्कर और हिजबुल की बजाय जैश पर ज्यादा भरोसा है, इसलिए 15 अगस्त से पहले ISI ने भारत के बड़े शहरों में हमलों की जिम्मेदारी जैश को सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक जैश को कश्मीर में घुसपैठ कराने और नए युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने का जिम्मा दिया गया है। आतंकी साजिश का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है। और भूले नहीं, सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है, हमारी और आपकी भी है। कुछ भी सस्पिशियस आपको दिखे फौरन रिपोर्ट कीजिए। खबर आसाम से, NRC के मुद्दे पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तृणमूल कांग्रेस आज लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दे सकती है। तृणमूल कांग्रेस आज लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दे सकती है। असम के सिलचर में TMC नेताओं को पुलिस हिरासत किए जाने के खिलाफ लोकसभा में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के 8 नेता गुरुवार को असम के दौरे पर गए थे, लेकिन एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोक लिया गया। इस दौरान पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच झड़प भी हुई। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। वहीं सिलचर एयरपोर्ट का एक वीडियो आया है, जिसमें ममता बनर्जी की करीबी महुआ मोइत्रा एयरपोर्ट पर महिला कांस्टेबल को धक्का दे रही है। असम के DGP ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से झड़प के दौरान दो पुलिस कांस्टेबल घायल हुए। अरेस्ट अभी तक नहीं हुई है, उन लोग को समझा गया है कि हम लोग ये इसी हालत में, उन लोग बाहर नहीं जाने का है एयरपोर्ट के बाहर, तो इसी हालत में है अभी। दूसरी तरफ गुवाहाटी पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके TMC नेताओं के गुवाहाटी आने पर रोक लगाई है। पुलिस का कहना है कि TMC नेताओं के आने से माहौल बिगड़ सकता है। वैसे यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि NRC के मुद्दे पर ममता बनर्जी की पार्टी के भीतर ही गृह युद्ध हो गया है। जी हाँ, आसाम में ममता के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष विपिन पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। NRC के मुद्दे पर ममता बनर्जी के बयान से असहमति जताते हुए असम TMC के अध्यक्ष विपिन पाठक ने अपना पद छोड़ दिया है। विपिन का कहना है कि ममता के दिए बयान से तनाव पैदा होगा और दोष उनके सिर मढ़ा जाएगा, इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। द्विपेन ने ममता बनर्जी पर NRC के मुद्दे पर कम जानकारी होने का आरोप लगाया। आसामीस और बेंगोली का बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मैं नहीं चाहता हूँ। मेरे प्रेसिडेंट इस का पूरा ब्लेम मेरा ऊपर आएगा एज ए प्रेसिडेंट, इसलिए मैं रेजिग्नेशन किया है। द्विपेन पाठक के अलावा पार्टी के दो और वरिष्ठ नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या 2019 का चुनाव बैलेट पेपर से होगा? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश के 17 दल इस मुद्दे पर ऐसा ही सोचते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने के लिए विपक्ष की 17 पार्टियां चुनाव आयोग से मांग करेगी।
विपक्ष का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर उसको भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर की मांग को लेकर रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की बैठक अगले हफ्ते होगी। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार को अपने दिल्ली दौरे में अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान बैलेट पेपर से चुनाव पर चर्चा की थी। विपक्षी दल संसद में भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मामला उठा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी 2019 में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष को हार का डर सता रहा है। और भूले नहीं, विपक्ष लगातार ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाता आया है। आगे बढ़ते हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है, लेकिन मायावती ने चुनाव से पहले इस बिल को बीजेपी का छल बताया है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल सर्वसम्मति से लोकसभा में पास हो गया है। 5 घंटे की बहस के बाद वोटिंग हुई, जिसमें सदन में मौजूद सभी 406 सदस्यों ने बिल के समर्थन में वोट किया। वोटिंग के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत को बिल पास होने पर बधाई दी। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में उसकी भागीदारी करने का प्रावधान है, जो प्रेमचंद्रन जी ने और भर्तृहरि मेहताब जी ने एक संशोधन यहाँ दिया था। उसी आशय का संशोधन हमने 2 जगह प्रावधानित किया है। वहीं मायावती ने बीजेपी पर पिछड़े वर्गों को धोखा देने का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा है कि दलित और आदिवासियों की तरह बीजेपी चुनाव से पहले ओबीसी को भी छलना चाहती है। लोकसभा ने पिछले साल अप्रैल में भी ये बिल पास किया था, लेकिन कुछ संशोधनों के लिए बिल को राज्यसभा से दोबारा लोकसभा भेजा गया। इसी वजह से मोदी सरकार ने बिल को फिर नए सिरे से लोकसभा में पास कराया है। विधेयक को अब राज्यसभा में पारित किया जाना है। तो कहीं तो लोग इमरान खान की ताजपोशी की तैयारी कर रहे थे और विपक्ष इस समय उनका खेल बिगाड़ता दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है एप्पल। एप्पल की मार्केट वैल्यू दरअसल पाकिस्तान जैसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 देश खरीदने जितनी हो गई है। अमेरिकी कंपनी एप्पल $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। एप्पल का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन यानी करीब 68 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एप्पल ने यह मुकाम शेयर में उछाल के बाद हासिल किया है। एप्पल के एक शेयर की कीमत गुरुवार को $260 तक पहुंच गई, जिसके बाद कंपनी ने ये कामयाबी हासिल की। एप्पल ने मंगलवार को अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे। नतीजे जारी होने के बाद कंपनी के शेयर में 5% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। साथ ही एप्पल ने सितंबर में आईफोन X से भी महंगा फोन लॉन्च करने का ऐलान किया है। $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली एप्पल दुनिया की पहली कंपनी भी बन गई है। एप्पल दुनिया की सबसे कीमती कंपनी है। एप्पल के बाद दूसरे नंबर पर अमेज़न, जबकि तीसरे नंबर पर अल्फाबेट यानी गूगल का नाम शुमार है। एप्पल कंपनी की मार्केट वैल्यू अब भारत की कुल इकोनॉमी का 38%, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का 3 गुना है। यानी एप्पल कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य से पाकिस्तान जैसे 3 देश खरीदे जा सकते हैं। आम्रपाली ग्रुप से फ्लैट खरीदने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को अब सरकारी कंपनी पूरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कंपनी NBCC को आदेश दिया है कि वो आम्रपाली ग्रुप के सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करे। NBCC को सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिन के भीतर योजना बनाकर ये बताने को कहा है कि कितने दिन में अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आम्रपाली के घर खरीदारों ने जो पैसा बिल्डर को दिया है, उसका एक एक पैसा वसूला जाएगा। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की सभी कंपनियों और उनके डायरेक्टर की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था। साथ ही ग्रुप की सभी 40 कंपनियों के डायरेक्टर्स के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश भी जारी किया था। देश के अलग अलग राज्यों में करीब 42,000 लोगों ने आम्रपाली प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करा रखे हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद लोगों को फ्लैट नहीं मिला है।